आपके लिए आज लाए मोनोपोली गेम। मोनोपोली गेम देख सकते हैं, ये रहा है MONOPOLY। मोनोपोली थ्री बार मोनोपोली यानी किए तो थ्री बार लिखा है चाइनीज में, पर ये तो है 7-8 गेम्स का भी। तो हम आज खेलेंगे मोनोपोली गेम। तो मोनोपोली का सेटअप के लिए हमें सबसे पहले किसी एक को चुनना होगा। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूनिट आप देख सकते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 डॉट कैंसिल मिलियन थाउजेंड वो डील और ये कौन सा है, ये है पासिंग कार्ड। तो ये सारे बटन से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में जुटे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जो कि इसमें डाले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूनिट के पीछे आप देख सकते हैं कि रीसेट बटन होता है। जब आप अपना गेम कंप्लीट कर लें उसके बाद आप इस रीसेट बटन से गेम को फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें मिलते हैं एक चांस कार्ड का सेट और एक मिलता है कम्युनिटी चेस्ट कार्ड का सेट। हम कम्युनिटी चेस्ट कार्ड को ये आप देख सकते हैं उधर पे एक सिंबल बना रहता है, उधर पे हम कम्युनिटी चेस्ट कार्ड रखते हैं, उधर पे एक चांस का सिंबल बना रहता है, उधर हम चांस कार्ड रख देते हैं। तो मैंने एक टेस्ट के लिए ब्लू कार्ड, ग्रीन कार्ड और ऑरेंज कार्ड चुना है और मैंने इन्हीं के कलर के टोकन्स चुने हैं। तो टोकन्स आप देख सकते हैं, टोकन्स मैंने वाले चुने हैं ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू टोकन। ब्लू वाला फिश है, ग्रीन वाला कैरेटर, ये वाला स्टार फिश है। तो ये गेम बहुत ही मज़ेदार होता है और इस गेम की सबसे मज़ेदार चीज़ होती है टिकट्स। तो टिकट्स इसकी उसी की तरह होती हैं, बिजनेस की तरह, लेकिन ये गेम उससे ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये देख सकते थे चाइनीज़ में भी लिखा है और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चांस डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले चांसिंग डिसाइड करें, पहली चाल चलेंगे ब्लू कार्ड। तो ब्लू कार्ड से स्टार्ट करते हैं चांस डिसाइडिंग की और ये आता है 1 and 3 is equal to 4। तो नेक्स्ट चाल है 4 ग्रीन की, तो ग्रीन के 7 आते हैं और इसके आते हैं। तो फर्स्ट ऑरेंज की चांस है, सेकेंड ग्रीन की चांस है एंड थर्ड ब्लू की चांस है। तो इस तरह से गेम आगे बढ़ता जाएगा और हम आपको बताते जाएंगे। मैं पूरा गेम नहीं खेलूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको ओनली बताऊँगा कि गेम कैसे खेल सकते हैं। सबसे पहले चांस स्टार्ट करते हैं ऑरेंज से। तो ऑरेंज के 3 आते हैं। हम बिजनेस में इस वाले को ना गिन के इसे गिनते हैं, पर इस गेम में हमें इसको भी गिनना है। तो 1, 2, 1 कम्युनिटी चेस्ट हो जाता है। तो अब हमें कम्युनिटी चेस्ट पे आ जाता है। तो कम्युनिटी चेस्ट पे आने पे ये जो कम्युनिटी चेस्ट के कार्ड्स होते हैं इन्हें शेक करते हैं। तो इन्हें शेक करके देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। तो ये जैसे इनके अगले वाली इसकी ग्रीन की चांस है तो ग्रीन वाला इनको शेक करेगा कार्ड्स को, और जब ये स्टॉप बोल देंगे उसके ऊपर जो कार्ड आएगा वो हम देखेंगे। तो ये स्टार्ट बोल देते हैं और ये कार्ड्स करते हैं शेक और ये स्टॉप बोल देते हैं। तो अब हम इस कार्ड को रीड करते हैं, एडवांस टू गो कलेक्ट 2M। तो एडवांस टू गो से ये वापस से इधर आ जाते हैं, ये वापस से इधर पहुंच जाएंगे और इन्हें मिल जाते हैं 2M। तो अब आप देख सकते हैं अब कार्ड का काम है। तो कार्ड पे आपको एक ग्रे कलर का ये दिख रहा होगा सिंबल, इसकी तरफ से आपको प्लस की तरफ डालना है। इसमें आपको दो सिंबल दिखते हैं, प्लस माइनस। तो हमें अभी कलेक्ट करने हैं तो इसे हम प्लस में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मशीन स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं 15M है, 15M पैसे हैं। आप इसमें 2M प्लस करने हैं तो ये वाला बटन दबाएंगे हम और फिर हम कार्ड निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसके टोटल 17M हो चुके हैं। तो नेक्स्ट चाल आती है ग्रीन की। तो ग्रीन की स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अब तक कर ही रहे हो तो कमेंट भी कर ही दीजिएगा। तो अब हम ग्रीन की चांस चलते हैं। तो ग्रीन के 2 आते हैं, तो 2 पे ग्रीन 1 1 गिडियाना पे पहुंच जाता है। तो गिडियाना
एक टाइटल टिकट हैगी, तो इसी वजह से अब हम गिनियाना की टिकट निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक टिकट पर ये सब कुछ दिखता है, रेंट, रेंट विद कलर सेट, रेंट विद फर्स्ट हाउस। तो धीरे धीरे खुल जाते हैं और हमने गिडियाना के अब इसको पैसे देने होंगे। अगर आप चाहें तो आप टिकट को नहीं खरीद सकते, फिर ऑक्शन होगा और ऑक्शन के लिए स्टार्ट होगा 100 के से, और सब 100 के से बढ़ाते जाएंगे और उस हिसाब से रेट, जो सबसे ज़्यादा रेट लगाएगा वो उसको ये टिकट दी जाएगी। तो अभी तो इनके पास पैसे हैं तो ये टिकट खरीद रहे हैं। तो हमें ग्रीन कलर का कार्ड इसमें डालना है, मशीन के माइनस में डालेंगे। तो ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मशीन स्टार्ट होने के बाद इसका रेंट आप देख सकते हैं नीचे लिखा होता है, तो ये देख सकते हैं लिखा है 600 के। तो अब हम इस पे 6600 के कर देते हैं और बाकी काम हो जाता है। तो इस तरह से गेम आगे बढ़ता जाएगा। तो ये इसके नीचे मैं इसकी टिकट रख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार गेम है और इसमें सबको मज़े आते हैं। इसे 2 से लेकर 6 प्लेयर तक खेल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आती है ब्लू कार्ड की, तो ब्लू कार्ड चलता है, ब्लू कार्ड के 1 और 6 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 1। तो ब्लू कार्ड, ब्लू पहुँचती है टोक्यो पे, तो टोक्यो पे पहुँच कर ये टोक्यो टिकट ले लेंगे। इसमें भी वैसे ही होता है जैसा हमने उसमें किया था। इस बार भी हम कार्ड को माइनस में डालेंगे, पर इसका रेंट 1 है। आप देख सकते हैं जिस तरह के रेंट लिखे हैं वही हमें इधर पर टाइप करना है, 1 m। तो देख सकते हैं बाकी के पैसे अपना माइनस हो जाते हैं और ये टिकट इन्हें दे दी जाती है। नेक्स्ट चाल फिर से ऑरेंज की आ जाती है, तो ऑरेंज चाल चलते हैं 1 2 3 4, 1 + 3 = 4 आता है, तो 1 2 3 1। तो ये टाइपी पे पहुंच जाते हैं, ये भी गिनियाना के रेंट की है। आप देख सकते हैं ये गिनियाना वाले रेंट की ये टिकट है। और अब आप देखेंगे कि ये वाला जो कलर सेट है कंप्लीट हो चुका है। आपने देखेंगे कि ये वाला जो कलर सेट है ब्राउन वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। ये वाली भी बिक चुकी है, वाली बिक चुकी है, तो सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर इन दोनों में से किसी के पास दोनों टिकट्स होती तो इनका रेंट विद, कल देख सकते थे पे लिखा है रेंट विद कलर सेट और दोनों तरफ लिखा है रेंट विद कलर सेट। अगर रेंट विद कलर सेट लिखा है तो फिर इन दोनों का जो रेंट था, एक ही के पास अगर ये दोनों टिकट होती तो उसका रेंट इस और जो लिखा है वो हो जाता है। और उसके बाद अभी ये हाउस लगा सकते हैं, तो अभी ये हाउस नहीं लगाएंगे, तो ये टाइपी के पैसे भी दे देते हैं। तो अब ये टाइपी के पैसे के लिए माइनस में, हम इसे भी माइनस में ही डालेंगे। और जिधर इतने पैसे लेके हैं उतने ही हम देंगे। तो देख सकते हैं 17 हम इसके पैसे, ना हम 600 के। आप देख सकते हैं इनने पैसे भर दिए, तो नेक्स्ट चांस आती है ग्रीन की, तो ग्रीन आप चांस चल देते हैं। तो ग्रीन के 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ चुके हैं। अब ये बार के लौना के लिए मान लीजिए ऑक्शन करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि ऑक्शन में कार्ड्स जो हैं उनके पैसे बढ़ते जाएंगे 100 के से, तो सबसे पहले पैसे बढ़ाने का मौका मिलेगा ऑरेंज कार्ड को। तो ऑरेंज कार्ड 100 के से बढ़ाना शुरू करता है, ऑरेंज कार्ड लगा देता है 140। उसके बाद ग्रीन कार्ड लग देता है 180 और लगा देता है 300। फिर वापस इन्हीं की चाल आ जाती है, तो ये कर देते हैं 380 और ये चल देते हैं 490 के, और ये कर देते हैं 700 के, ये 840, ये 940 और ये 100 के कर दे, 1 m कर देते हैं। तो अब ये टिकट, अब ये इन दोनों में से कोई भी पैसे नहीं बढ़ा रहा है, तो अब हम 10 तक काउंटिंग करेंगे। उससे पहले अगर पैसे बढ़ाता है तो फिर ये पैसे माने जाएंगे, वरना ये टिकट इन्हें दे दी जाएगी, ब्लू को दे दी जाएगी।
तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 देख सकते हैं किसी ने कुछ नहीं कहा है, तो अब ये टिकट इन्हें दे दी जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं अगर न्यू एथेंस भी जीत ले, एथेंस भी ले लेता है, तो फिर इसके रेंट डबल हो जाएगा दोनों का। तो अब ये 1M भर देते हैं पैसे, तो माइनस वन कार्ड डाल लेते हैं, देख सकते हैं माइनस वन गया है कार्ड, और हम टाइप कर देते हैं 1M। तो देख सकते हैं पैसे इनके माइनस हो चुके हैं, इनके अब 1300M बचे हैं। नेक्स्ट इन्हीं की चाल थी तो इसी वजह से वापस से ब्लू की चाल आ जाती है। ब्लू चाल देते हैं चाल 1 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1। तो ये बहुत ही अच्छी टिकट है, 16 एना जी। ये टिकट सबसे अच्छी टिकट होती है। ये टिकट से आप अपने किसी भी उसका रेंट बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम सोलर एनर्जी की टिकट निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सोलर एनर्जी की टिकट, ये एनर्जी इसी वजह से इनके मुकाबले अलग हैं। ये टिकट इन्हें घोष की जाती है और ये ना ही ऑक्शन कर देते हैं। तो ये 1.5M इनके कार्ड से माइनस कर लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसके कार्ड से 1.5M माइनस कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये गेम बहुत ही मज़ेदार है, आप इस गेम को जब तक चाहें तब तक खेल सकते हैं। और ऐसे बहुत से रूल है जो इसमें अलग होंगे, जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ, वांगे गेम नहीं खेलेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपको एक फ्री पार्किंग दिख रहा होगा, तो फ्री पार्किंग पे आपका जो कार्ड है इधर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इधर बस बैठे रहेंगे। इधर आपको इन जेल दिख रही हो, इसके पीछे देख रही हो जस्ट विस्टिंग, तो जेल से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपका आप इधर है, मान लीजिए इनके आ जाते हैं 4, 3, 1, तो ये 1, 2, 3, 1 आता है, तो इसी वजह से ये जो है ये जेल पे ना आके जस्ट विजिटिंग पे आएंगे, तो ये जस्ट विजिटिंग पे आ जाते हैं। जस्ट विजिटिंग भी फ्री पार्किंग की तरह कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आती है गोटू जेल, तो हमें जो इधर पे ये जेल दिख रही थी उसका काम होता है इधर से उस जेल के लिए जाते हैं, ये जो आप देख सकते हैं इधर से जेल जाएंगे, और हमें दिखता है इधर पे गोट। इधर ही से हमने स्टार्ट किया था, जैसे बिजनेस में इधर से हमें 500 रुपीज़ मिलते हैं, वैसे ही आपको इधर पे बोर्ड पे एक सिंबल दिख रहा होगा। तो अगर कोई भी कार्ड, कोई भी कार्ड या फिर कोई भी प्लेयर इसे पार कर देता है, तो फिर वो 2M इसे दबा के 2M कलेक्ट कर सकता है, 2M कलेक्ट कर लेगा। और इधर पे आपको एक सुपर टैक्स दिख रहा है, सुपर टैक्स दिख रहा होगा, सुपर टैक्स पे आने से आपको 1M पे करना होगा। और इधर पे आपको दिख रहा होगा एक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे आपको 2M पे करना होगा। ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है, आप देख सकते हैं इधर पे टिकटें चारों ओर अपने कलर्स के हिसाब से बिछी हुई है, तो ये गेम लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसी तरह हम आपके लिए नए गेम्स लाते रहेंगे। तो बाय दोस्तों।